हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट से आप लोग क्या समझते हैं? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी चीज़ को आप किस तरह से मैनेज करोगे। इसमें है मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड फंक्शंस। मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें हर ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पर पड़ती है, बिना उसके साइज़, नेचर और फंक्शंस को जाने। हम ये नहीं देखते कि उसका साइज़ कितना बड़ा है, उसका साइज़ कितना छोटा है, उसका नेचर क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, बल्कि हमें हर जगह पे मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बट इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू मैनेज इट्स फंक्शंस। जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने फंक्शंस को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती पड़ती है। अब हम जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हमारे वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, यानी कि जो जिन पे हमें कोई भी काम करने के बदले हम पैसा अर्न करते हैं या फिर प्रॉफिट मिलता है हमें। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, बल्कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए काम करते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम आते हैं कि डेफिनेशंस क्या है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की सबसे पहली डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। यानी कि मैनेजमेंट क्या है? एक कला है लोगों से काम निकलवाने की। आप किस तरह से लोगों से काम करवा सकते हो, उन्हें किस तरह से मोटिवेट कर सकते हो कि वो आपका काम करें। नेक्स्ट है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये एक प्रोसेस होती है लोगों से काम करवाने की, किस तरह से कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, अब हम इन दो वर्ड्स पे आते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को करना समय पर, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, किसी भी काम को समय पे करना। यानी कि जब आप कोई भी काम जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर लेते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? इफ़ेक्टिवनेस। दूसरा है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी टास्क को, कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करके, कम से कम वेस्टेज करके आप जब अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी एफिशिएंसी। इसी चीज़ को एक बार एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखिए, इस पे एग्जांपल है कि कोई भी एक कंपनी है, सपोज मिस्टर एक्स कोई कंपनी है, उन्हें टारगेट दिया गया है कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक दिन में, जिसके रेट है आपके 150 रुपीज़। लेकिन उसने टारगेट, चलो मान लिया, अचीव कर लिया, 100 यूनिट्स बना ली एक दिन में, लेकिन कितने रुपीज़ पे? 170 रुपीज़ पे। तो यानी कि वो क्या है? इफ़ेक्टिवनेस तो है लेकिन इनएफिशिएंट है, क्योंकि उसने समय पे तो काम कंप्लीट कर लिया लेकिन वेस्टेज थोड़ी ज़्यादा कर दी। ठीक है, यानी कि उसने काम इफ़ेक्टिवली तो किया लेकिन एफिशिएंटली नहीं किया, वो क्या है? एक इनएफिशिएंट मैनेजर है। आज के लिए इतना काफ़ी है।